स्कूल से जा रही थी, जब मैं स्कूल में जा रही थी तो मेरा भाई अंदर गए थे और मैं बाहर पीछे से मैं बाहर जा रही थी, तो उन्होंने आइसक्रीम के बहाने मुझे लेकर गए, आइसक्रीम दिलाया पर वापस से नहीं छोड़ा। मध्ये प्रतिक्रिया आपणच देत आहात सगळे अतिशय मोठी कामगिरी आहे, कारण की म्हणजे आम्ही हा एक संदेश दिलेला आहे की आमच्यासाठी माणूस किती महत्त्वाचा आहे मुंबई पोलिसांसाठी, आणि 9 वर्ष झाल्यानंतरही डी एन नगरचे आमचे पोलीस असतील, रिटायर्ड राजेंद्र सिंग, राजेंद्र भोसले असतील, या सर्व लोकांनी संपर्क ठेवून या मुलीची दाद दिली पाहिजे की तिनं ते तिच्या मैत्रिणीसोबत तिच्या आईसोबत गुगल वगैरे करून पोलिसांशी संपर्क साधला आणि मग डी एन नगरचे सगळे आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी तात्काळ जाऊन तिला रेस्क्यू पण केलं। आणि या निमित्तानं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही एक ड्राईव्ह घेणार आहोत, मुंबईमध्ये अनेक अशी लहान मुलं किंवा मुली असतील जे आपल्या आईवडिलांपासून तुटलेले असतील आणि कुठेतरी घरांमध्ये किंवा दुकानांमध्ये काम करत असतील, आमचे जे अमलदार आहेत आणि अधिकारी आहेत यांना आम्ही एक सूचना देत आहोत की अशा सगळ्या मुलांची आपण माहिती घेतली पाहिजे की नेमके ते त्यांच्या आईवडिलांबरोबरच आहेत का दुसरे कोणी आहेत, आणि जर ते असे पळून गेलेले असतील किंवा पळवलेले असतील तर आम्ही त्यांना ट्रेस करू आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत पुन्हा एकदा त्यांना नेऊ, कारण की मला असं वाटतं की हे काम जास्त मोठं आहे, गेलेला माल वगैरे चोरीचा वगैरे परत येऊ शकतो पण आपलं मूल किंवा आपलं माणूस परत येऊ शकत नाही, आणि त्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्नशील आहोत। मुंबई पोलिसांची अत्यंत उत्तम कामगिरी, 9 वर्षानंतर एका मुलीला तिच्या परिवारासोबत जोडण्याचं काम, त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मुंबई पोलिसांनी केलं, आणि हेच ते अधिकारी अंमलदार आहेत, कर्मचारी आहेत ज्यांनी 9 वर्षानंतर पूजा नौण या नावाच्या मुलीला त्याच्या तिच्या आईवडिलांपर्यंत पोहोचवलं। कशीही कामगिरी त्यांनी केली त्याबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंच आहे, पण यांच्याशी आपण बोलूयात की काय घडलं आणि कशी ही मुलगी हिनं पोलिसांशी संपर्क केला आणि पोलिसांनी तिला कसं रेस्क्यू केलं। पूजा ये बताइए कि आप इतने साल अपने माता पिता के पास नहीं थे, जैसे आप सर ने भी बताया कि आप किसी तरह पुलिस तक पहुंचे और पुलिस फिर आप तक पहुंची, कैसे आपने किया वो? जिधर मैं काम कर रही थी वहाँ पे प्रमिला दीदी थी, तो मैं उनसे हेल्प ली कि उनको पहले मैंने यूट्यूब से सर्च करके बताया कि ये मेरा फ़ोटो है, मुझे माता पिता के पास जाना है, तो नंबर नहीं दिख रहा था, तो जिधर एक बाई करती थी उनकी बेटी पढ़ी लिखी थी, तो उसने निकाला गूगल से, फिर उसने प्रिंट आउट निकाला, उसमें से नंबर उसने रात को फ़ोन लगाई, 5वें नंबर से नहीं लग रहा था, फिर एक नंबर से उसने लगाई तो अंकल का लगा था, उनसे बात की तो उनसे बात की थी, तो फिर दूसरे दिन मैं रास्ते में आ रही थी तो दीदी ने फ़ोन किया मुझे कि मैंने उनसे बात किया, तेरे मम्मी और चाचू उनसे बात कर ले आके वीडियो कॉल पर, तो फिर मैं रास्ते में रोते रोते चली गई काम पे, फिर बाद में। तो पुलिस आप तक कैसे पहुंची? पुलिस जो थी मुंबई पुलिस आप तक कैसे पहुंची? पुलिस हम लोग इधर गए थे डी एन नगर, तो वहाँ पे जाके सब बताया मैंने। 9 साल तक आप अलग थी, 9 साल तक क्या क्या हुआ अगर आप बताएंगी, किस तरह आप रहीं, आपका ख्याल रखा गया, क्या हुआ और कैसे आप परिवार को मिस करती थी, उस पर बारे में बताएंगी आप? स्कूल से जा रही थी, जब मैं स्कूल में जा रही थी तो मेरा भाई अंदर गए थे और मैं बाहर पीछे से मैं बाहर जा रही थी, तो उन्होंने आइसक्रीम के बहाने मुझे लेकर गए, आइसक्रीम दिलाया पर वापस से नहीं छोड़ा, तो बस में मैं बहुत रोई, तो बोले कि मम्मी के पास जा रहे हैं, फिर छोड़े नहीं, हाजी मलम लेकर गए ऊपर, 3 दिन तक वहाँ पर रुके, मैंने बोला भी था कि मुझे जाना है, तो पहाड़ पे थे तो बोले कि अगर तू ज़्यादा रोएगी ज़्यादा नाटक करेगी तो हम लोग पहाड़ से फेंक देंगे तू, तो डर की वजह से मैं छुप बैठ गई, फिर 3 दिन के बाद फिर हम लोग गोवा गए, गोवा जाने के बाद वहाँ पे 3-4 महीना रुके, 3-4 महीना रुकने के बाद वहाँ से फिर विरार में आए।
एक भाड़े का रूम लिया था तो वहाँ पे रुके, फिर वापस से 2 महीना वहाँ पे रुके, फिर वापस से गोवा में गए थे, वहाँ से आंटी ने निकाल दिया हम लोग को। निकालने के बाद फिर हॉस्टल में मुझे डाल दिया, वहाँ पे 1 साल पढ़ी दूसरी तक। फिर उसके बाद जब भी उनकी एक लड़की हुई 2015 में, तो वहाँ से मुझे निकाल दिया। फिर बाद में वहाँ पे रुकी थी, जब भी उनकी लड़की नहीं थी तो प्यार अच्छे से करते थे, जब भी लड़की हुई तभी से बेल्ट बेलन लात उससे मारने लग गई। फिर आप कहीं काम वाम भी करती थी जैसे आप बता रही थी, कहाँ काम? 2020 में फिर मैं काम पे लगी 24 घंटा, फिर दो तीन बार मैंने 24 घंटा काम छोड़ा है, छुट्टा काम भी 2-3 छोड़ा है, अभी ये 5वां काम है जो 7 महीने। जी आपके रो रहे हैं, आपने भी बहुत मिस किया होगा। चाचा हैं आप? मेरा भाई खत्म हो गया, अच्छा। रमजान में 15 तारीख को मैं उनको चाचा हूँ। इसके पिताजी ने भी तो बहुत कोशिश की होगी। बहुत कोशिश की, हम लोग बहुत कोशिश की। तो आप दिन रात जब भी आप वहाँ थी तो आपको भी तो माता पिता परिवार की याद आती रहती होगी। याद आती है। क्या करती थी? मैं नहीं बोलना। बोल दृश्यच खूप बोलकी आहेत बघा, यांचं हे नातं, यांचं हे प्रेम, या मुलीने जे काही तिनं अनुभव केला आहे आणि तिचे काका इथं आहे, तिचे वडील आता नाही आहे, तर काका असं सांगतात की वडिलांनी खूप प्रयत्न केले हिला शोधण्याचा, या मुलीने सांगितलं की तिच्यावर कशाप्रकारे अत्याचार झाले, कशाप्रकारे त्या परिवारानं हिला मूल होत नव्हतं म्हणून सोबत नेलं, पण नंतर मूल झाल्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केले। तुम्हा आपकी मम्मी आहे तो इसके पिताजी जब थे तब थे इसके पिताजी, जब आप जब नहीं थी तब, जब आप चली गई तब भी नहीं थे? 4 महीना हुआ खत्म हो गए, 16 तारीख आएगा तो 4 महीना हो जाएगा। मैं धंधा करके 2 बच्चों को पाल रही थी, अभी मैं तीसरी बच्चे आ गए, अभी तीनों को मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। सोच रही मैं कैसा पालू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा सहारा नहीं है। बेटी के आने की खुशी तो होगी? खुशी तो है सर। इनको पालना कैसा, इनका पोषण कैसा करना, उस बारे में। अच्छा, मुंबई पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आपको मदद हुई, इतने साल भी वो कोशिश करते रहे आपके लिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मदद तो बहुत करे, अभी भी साथ में है। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि साथ में नहीं है, मैं कभी झूठ बोली भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा सब मिला एक ही नहीं है। तर ही दृश्य जी आहेत ती तुम्हालाही भावुक करणारी आहेत, आणि या आई लेकीचं हे नातं, हे प्रेम आणि मुंबई पोलिसांचे हे प्रयत्न, ह्या प्रयत्नांमुळेच हे आज एक झालेले आहेत। परिस्थिती खूप वाईट आहे, परिस्थिती जी आहे त्याला सामोरं कसं जायचं हा एक मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे, पण मला खात्री आहे की मुंबई पोलीस असो की आपल्या समाजातली चांगली लोक त्यांना निश्चित मदत करतील, आणि ज्या प्रकारे ईश्वरानं आज 9 वर्षानंतर ह्या मुलीला त्यांच्या परिवारापर्यंत पोहोचवलं आहे, आणि त्यांच्या माध्यमातूनच आता त्यांचं राहणं किंवा त्यांचं जीवन जे आहे आयुष्य पुढे चांगलं जाईल, हीच आशा आणि अपेक्षा आम्ही वर्तवतो। कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।